जो बगैर जरूरत के मांगता है, कयामत के दिन इसका चेहरा जख्मी और दागदार होगा। और तीन अफराद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बाज़ रिवायात में तो है कि तीन महल्ले की मोतबर शख्सियात ये गवाही दे दे कि जी फला आदमी वाकियातन मुफलिस और मोहताज है, इसको सदका खैरात दी जा सकती है, फिर उसको दिया जाए। लेकिन हमारे यहां पर एक पूरे का पूरा कारोबार की शक्ल है। मजारात के ऊपर तो बहुत सारे एंकर्स ने एक्सपोज भी किया, ये लाहौर के दरबार का भी एक्सपोज हुआ कि वहां पर मांगने वाला ही दूसरे मांगने वाले की जगह पे खड़ा नहीं हो सकता। और वो एंकर खुद उस गेटअप में गया, भिखारियों के गेटअप में, और वहां पर गया, पकड़ लिया उसको और पकड़ कर लेकर गया कि ठेका हुआ है हमारा, तू कहां से आ गया, कौन हो तुम, ये हो। तो इसलिए साहिब हैसियत मुल्क के पाकिस्तान का पूरे इस्लामी मुमालक के अंदर सदका और खैरात कसरत से करने में एक नाम है, लेकिन इस कसरत के अंदर हम थोड़े से बेराह रवि का शिकार हैं कि हम उन लोगों तक ढूंढ कर नहीं पहुंचाते। मैं अक्सर इसमें यह कहा करता हूं कि जिस आदमी को लगन हो मस्जिद में नमाज पढ़ने की तो वो मस्जिद ढूंढ ही लेता है, उसके दिल में लगन है। इसी तरह ये गुराबा और मसाकीन को सदका और खैरात करना, ये मेरे और आपके रिजक में भी बरकत का जरिया है, बुरी मौत से नजात का जरिया भी है, मुसीबतों और बलाओं से हिफाजत का जरिया भी है, अल्लाह के गजब को ठंडा करने का जरिया भी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुनन नसाई की गालिबन ये रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन बातें कसम उठा के, और फिर फरमाया उहद्दिसुकुम हदीसा, एक तुम्हें पते की बात बताता हूं। पहली चीज कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल कभी कम नहीं होता। दूसरा आपने फरमाया जिस पर जुल्म कर दिया जाए, जिसके साथ ज्यादती कर दी जाए और वो उस जालिम को माफ कर दे तो अल्लाह इसकी इज्जत में इजाफा फरमाएगा। और तीसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बगैर किसी जरूरत के मांगना शुरू कर दे, अल्लाह इसके कभी भी फकर और मोहताजी को खत्म नहीं करेगा। अब ये मैंने और आपने देना भी है, तो जिस तरह एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हम मस्जिद को तलाश करते हैं, इसी तरह इन बड़े फजाइल के हुसूल के लिए हमें उन मुस्तहिकीन को तलाश करना है जो सफेद पोशी की जिंदगी तो गुजारते हैं लेकिन दस्ते सवाल दराज नहीं करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे तबूक से वापस आए, आपने मेहनत की और मजदूर की बड़ी हौसला अफजाई फरमाई, इतनी हौसला अफजाई फरमाई कि आपने हकूक के तौर पर यह बयान फरमाया कि मजदूर को उसकी उजरत उसका पसीना खुश्क होने से पहले पहले अदा कर। इसका मतलब यह है कि जो तुम्हारी उससे बात तय हो चुकी है, अगर डेली वेजिस पे है तो शाम को, ये नहीं कि वो आज बैंक से निकलवाने भूल गया, निकलवाओ, अल्लाह के नबी के हुक्म को समझो। अगर आपने हफ्ता बार उससे तय किया हुआ तो उस दिन उसको दो, अगर 15 दिन का किया तो 15वें दिन ही उसको दो, अगर एक महीने का किया तो एक महीने के बाद उसको दो। ये मतलब है कि उसका पसीना खुश्क होने से पहले पहले उसकी उजरत उसको दे दो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे तबूक से जब वापिस आए, हजरत सात अंसारी रजी अल्लाह तआला आपके इस्तकबाल के लिए सहाबा इकराम तशरीफ ले जाते थे, तो आपने जब यूं सलाम और मुसाफा फरमाया तो कहा साहब तुम्हारे हाथ बड़े सख्त हो गए। या रसूल अल्लाह, मैं कुदाल से, बेलचे से, फावड़े से, तीन अल्फाज, या रसूल अल्लाह इससे मैं मेहनत करके अपने बच्चों के लिए रिजक कमाता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हाथों को यूं पकड़कर बोसा दिया और साहब ने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल ऐसे आदमी को अपना महबूब रखते हैं। ये मौके हमने फराहम करने हैं इस नकारे माहौल के अंदर के, जहां पर मांगना तो आसान है, जहां पर औरतों का बच्चे उठाकर बाजारों गली चौराहों में अपने फन के जरिए, दर्दनाक जुबलों के जरिए से भीख मांगना तो आसान है, लेकिन उन अफराद के लिए मेहनत और मजदूरी जिनके लिए अल्लाह ने रोजी के असबाब पैदा फरमाए हैं, वह फरमाते हैं कि फवरबुकुम फिस्समा रिज़्कुकुम वमा तुआदून, तुम्हारे साथ रिजक और जो अल्लाह ने वादे किए ये आसमान में, मांगने में तुम्हारा रिजक नहीं। तुम मांगने की खूबी पैदा करना गोया के अपने माहौल, अपने इलाके, अपने उन अफराद को नकारा करना है
अगर हम साहिब हैसियत लोग बगैर किसी तहकीक और तफ्तीश के ये बात तो सब्त कर रहे, चोर चौराहों पर मांगने वाले किसी को नहीं दे। अल्लाह जल्ला शान मुझे और आपको अपने अहकाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों के मुताबिक पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।